हाय फ्रेंड, ये गांव एरिया है और यहाँ पे सब सारे घर मिट्टी के बने हुए हैं। और यहाँ पे जियो का टावर 2018 में लगा था। इस गांव में एक भी नेटवर्क नहीं था और लगने के बाद यहाँ के लोग हैप्पी हैं, खुश हैं। और आज यहाँ पे जो काम हो रहा है वो 5G का काम चल रहा है। ये 4G है, इसको कन्वर्ट किया जाएगा 5G में। लोग 4G का मज़ा ले रहे थे, अब लेंगे 5G का मज़ा। और 5G में आप लोग भी पता है स्पीड कितनी अच्छी है, नेटवर्क स्ट्रांग है। तो वो जो जितने भी एंटीना वगैरह लगे हैं सब 4G के लगे हुए हैं, ठीक है। और नीचे में जो माउंट पोल दिखे, जो नया लगा हुआ है, ये रहा, ये इस पे 5G के टंगेंगे, 5G के लगने हैं, ठीक है। तो माउंट पोल लग चुका है और आपको ले चलते हैं अंदर। आइए, ये हम लोग आ गए यहाँ पे। और ये जो है आपका, ये जो आपका है यहाँ पे, ये हो गया डीसी डेबी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। मतलब यहाँ से पूरा आपका पावर सप्लाई है, बस बार है, ठीक है। जो मेन पावर सप्लाई है यहाँ का है, ठीक है। जो मेरा पूरा फंक्शन है ये 4G पे है, ठीक है। और 5G का ठीक जैसे ये ओडीसी आउटडोर है बॉक्स, एक अलमारी टाइप का होता है, ठीक बगल में मैं दिखाऊंगा, वो 5G के लिए आया है। तो यहाँ पे जो काम चल रहा है 5G का है। 4G ऑलरेडी से नेटवर्क प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। ये SMPS है, ये रेक्टिफायर है। यहाँ से 4-5 रेक्टिफायर थे, 3 ख़राब हो गया, 2 पे ही काम चल रहा है, ठीक। ये आपका 3 बैटरी है, फास्ट लाइट की बैटरी है, ठीक है। ये MCB है, ठीक है। पहले ये 63 एम्पियर का था, ये अब 100 एम्पियर का हो गया, क्योंकि 5G का लोड बढ़ेगा तो भाई उसके लिए MCB का चेंज होना जरूरी था, ठीक है। ये आपका सिस्को हो गया, ठीक है। ये एक अलग से बैटरी दिया है, क्योंकि बैटरी अगर 2 साल बाद, 1 साल हो जाने के बाद लोड थोड़ा सा कम होता है, कम। ये तो एक एक्स्ट्रा बैटरी लगा दिया, क्योंकि लाइट चली जाने के बाद थोड़ा सा लोड कैपेसिटी अब हो गया है। ये सिस्को है, ठीक है। ये 2 है, इसमें पॉजिटिव और निगेटिव दोनों एक ही में दिया गया है। ये जो वायर है ये कंट्रोलर हो गया SMPS का, ठीक है। ये इसी से कनेक्ट है यहाँ पे, ठीक है। ये और ये जो है, एक सेकेंड, ये स्टेरना को है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये स्टेरना यहाँ पे है, ये कार्ड रीडर का काम करता है ये, ठीक है। और 5G का मैं दिखा रहा हूँ आपको कि 5G का ODC किस टाइप से है। सिंगल वे ODC है, ये डबल वे ODC है एक साथ, ठीक है। और ये जो है आपका, ये CDU है, ठीक है। और ये एक जो अलग से है, ये देखिए GNSS, तो इसका मतलब होता है ग्लोबल नेविगेशन सेटेलाइट सिस्टम। मतलब ये GPS का एक पार्ट है, ये आपका लोकेशन ट्रैक करता है। जैसे हमारी उसमें चारों तरफ से एक लेयर बना हुआ है तरफ से, तो अलग अलग लेयर के लिए अलग अलग मशीनें होती हैं। जैसे कम्युनिकेशन सेटेलाइट्स हो गया, वेदर सेटेलाइट्स हो गया, अर्थ ऑब्जर्वेशन सेटेलाइट्स हो गया, नेविगेशन सेटेलाइट्स। तो ये नेविगेशन टाइम लोकेशन कहाँ पे क्या है वो इसमें ये करता है, ठीक है। तो GPS का ही काम करता है। तो ये हो गया देखिए GNSS, तो इसका फुल फॉर्म हो गया ग्लोबल नेविगेशन सेटेलाइट सिस्टम। GPS का फुल फॉर्म हो गया ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। और जो आपका जो GPS है वो इंडिया का नहीं है, USA का है, ठीक है। और धरती से 20,180 किलोमीटर ऊपर समुद्र लेवल का। इंडिया में भी हमारे बने हैं, और जो बने हैं इंडिया में उसका नाम है IRNSS, ये बने इंडिया में। और जो इसका फुल फॉर्म है आपको बता देते हैं, इंडियन रीजनल नेविगेशन सेटेलाइट सिस्टम, क्या हुआ देखना पड़ेगा। तो यही है,
और 5G का आपको दिखाने जा रहे हैं। और एक चीज़ क्या, ये जो GPS है ये है क्योंकि इसका जो भाग वहाँ पे आपका लगा हुआ है, आप दिखा सकते हैं, देखिए वो एंटीना टाइप का एक लगा हुआ है, वो ये रहा, तो वो वायर इसी से आके कनेक्ट है, इसी से कनेक्ट है। अब जो 5G का है, 5G का है कि सप्लाई सब यहीं से जाएगा, बैटरी हो गया, सिर्फ बैटरी अलग लगेगा क्योंकि भाई लोड ज़्यादा बढ़ेगा तो बैटरी की आवश्यकता नहीं है, तो बैटरी उसमें लगेगा, बाकी सारा जो इक्विपमेंट है सब यहीं रहेगा, ठीक है। सिस्को एक और लग सकते हैं, इंफ्रा का काम होगा, ये सिलिकॉन है एब्रो और वहाँ पे लगाया जा रहा है। हमने सिस्टम में डाल के देखा तो कह रहा है ये साइट है नहीं हमारे पास, हमने कहा है क्या होगा, जाम हो जाएगा वो है, और अपना टेक्नीशियन चला रहा है। और आप ओडीसी के बाहर के एरिया देख सकते हैं, ये रोस्टेक है, इसको रोस्टेक बोला जाता है, वायर इससे अंदर से बाहर आया है, कुछ वायर अंदर गया है, ठीक है, पावर सप्लाई के लिए। नीचे भी देख सकते हैं, अभी 5G के लिए सिर्फ वायर चेंज हो रहा है, ठीक है। देखिए सिलिकॉन जो वाइट वाला होता यही है, ये सिलिकॉन, ठीक है। और वो जो चीज़ें, ये बस बार है, ठीक है, यहाँ इसमें अर्थिंग आके स्ट्रिप वगैरह आके लगती है, और एक नीचे इसका स्ट्रिप दिया हुआ अर्थिंग में जो उस टाइप का अर्थिंग है, आप देख सकते हैं। ये 5G का ओडीसी है, इसको बोलते हैं MCT, इसी से वायर आया। और ये चीज जो है आजकल जो है जानते हो, ये है पढ़ा लिखा आदमी बस बार होता है, ये अर्थिंग के लिए दिया गया है, वो नौकर ही बन के रह जाता है। और ये जो है ये बस बार है, DC DB, कल से आज तक रैली है 5G में, एक ही साइड पे बहुत रैली है। मैंने भैया बताया, बाप रे बाप, काफी है, इसे भी बंद कर दो, तुम्हारा भी आ जाएगा इसमें। अब ये गांव है शानदार, ए पेचकस दे दो भैया, लाला भैया पेचकस लेते हैं, पेचकस हां पेचकस नहीं ले खाले, चलो काम कंप्लीट।